हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मसाक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे रियलमी 8i में इसका जो माइक का वेज होता है उसको कंप्लीट बताऊंगा और उसके साथ ही इसके वोल्टेज के बारे में आपको समझाने भी वाला हूं। तो दोस्तों, हम यहां पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर है रेडमी 8i का यहाँ पर मदरबोर्ड और सीसी बोर्ड। यहाँ पर देख सकते हैं सीसी बोर्ड में यहाँ पर ये वाला माइक लगा है। ठीक है, मैं इसकी थोड़ी मोटाई बढ़ा लेता हूँ। ये वाला हमारे इसमें माइक लगा है। इस माइक में दोस्तों आपको पता होगा तीन पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर होता है, एक पॉइंट यहाँ पर होता है और एक यहाँ पर होता है। ये वाला है हमारा, इसका माइनस वाला पॉइंट है, ग्राउंड होता है और उसके बाद इधर इधर वाला जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा माइक का इन वोल्टेज और इधर वाला जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा माइक का बायस वोल्टेज। अब बायस वोल्टेज क्या होता है उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको, आगे समझाएंगे कि ये बायस का वोल्टेज होता क्या है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों ये बायस की सप्लाई कहाँ पर जाती है, उसके बाद दोस्तों ये सीधा हमारे कनेक्टर पर आ जाती है। ये वाला कनेक्टर, यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट कनेक्ट नहीं होता है। इस मॉडल में बायस लाइन में कोई भी कंपोनेंट कनेक्ट नहीं है, सीधा हमारी पावर आईसी से कनेक्ट होता है और इसके साथ हम इसकी पावर सप्लाई मेन पावर इसकी इन वोल्टेज के बारे में भी समझ लेते हैं। इन वोल्टेज हैं वो जाती हैं दोस्तों हमारे यहाँ पर, इधर जब आप नीचे से काउंट करोगे इधर तो 12 नंबर पर। ठीक है, 12 नंबर पर आती है हमारी इसकी, सॉरी 13 नंबर पर तो आती है हमारी इसकी पॉजिटिव वाली लाइन और इसकी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 12 नंबर पर आती है इसकी बायस वाली लाइन। ठीक है, मैंने तीर का निशान लगा दिया, इधर से आपको काउंट कर लेना। ये आती तो ये तो आती है 12 नंबर पर और ये आती है इसकी 13 नंबर पर। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों ये सप्लाई जाती है हमारे मेन पत्ती के ज़रिए यहाँ पर। इसके ऊपर के आप तरफ देख सकते हैं जो ये वाला कनेक्टर है, इस वाले कनेक्टर के अंदर ये सप्लाई आ जाती है और उसके बाद ये वाले हमारी सप्लाई यहाँ पर जाती है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर वापस ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं जो ये कनेक्टर हैं, इस कनेक्टर के ऊपर वापस आप जब काउंट करोगे तो 12 और 13 नंबर पर, 12 नंबर पे तो आ जाती है इसकी बायस वाली लाइन और 13 नंबर पर आ जाती है इसकी इन वाली वोल्टेज। ठीक है, इस तरीके से इसमें वेज होता है और उसके बाद दोस्तों ये बायस वाला वोल्टेज सीधा हमारी पावर आईसी में जाता है। ये बायस वाला वोल्टेज सीधा हमारी इस पावर आईसी में जाता है और उसके बाद में जो इन वोल्टेज होता है, ठीक है, जो ये इन वाला वोल्टेज है वो आता है हमारे यहाँ पर ऊपर की तरफ। मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो ये हमारी मेन पावर आईसी है, मेन पावर आईसी के ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा है। इस कैपेसिटर में आप देख सकते हैं इसके ये वाला कैपेसिटर, ठीक है, इस वाले कैपेसिटर में ये वोल्टेज आता है और उसके बाद दोस्तों इस वाले पॉइंट पर ये सीरीज के अंदर रहता है और उसके बाद दोस्तों हमारे इस वाले पॉइंट पर जाता है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों हमारे इस कैपेसिटर के इस वाले पॉइंट पर आता है और इस पॉइंट से सीधा हमारे इस पावर आईसी के अंदर चला जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको चेक कर लेना है दोस्तों कि आपकी सप्लाई कहाँ तक पहुँच रही है, कहाँ तक नहीं पहुँच रही है। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि इसमें जो माइक का वेज होता है वो किस तरीके से होता है और कौन से कॉम्पोनेंट में होता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर दोस्तों आपको अगर फुल एक्सप्लेन की वीडियो अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और # टेक्निकल मुश्ताक लिख के। तो दोस्तों यहाँ पर हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए।